as you can see, process related factor. We are discussing factors influencing learning, and under that particular concept we are discussing process related factor. There is teacher, there is learner, and the teaching learning is going on. This is through the process. So you are understanding process, but in between there may be so many factors. Of course, the teacher and the learner are the part of the process, but other than the teacher and learner there are other factors. What are those that also influence the teaching? First one is classroom climate. How the learners are there, how comfortable the learners are, how interactive the learners are, how pacified the learners are, how conducive the classroom climate is. So classroom climate is one aspect. Classroom climate यदि क्लासरूम क्लाइमेट फेवरेबल है, अच्छा है, तो निश्चित रूप से लर्निंग ज्यादा फैसिलिटेट होगी. और चूंकि लर्निंग ज्यादा फैसिलिटेट होगी, इसका मतलब क्या है, टीचिंग इज गुड वन. क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अभी हम लोग क्लासरूम की बात करते हैं, सारी फैसिलिटीज की बात करते हैं, स्मार्ट क्लास की बात करते हैं. बहुत सारे जो हमारे सरकारी स्कूल वगैरह हैं उनकी स्थिति तो बहुत खराब है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है. अभी आप जाएंगे डिफरेंट स्कूल्स, उन पटना के जो स्कूल्स हैं उसमें बहुत सारी स्थिति बहुत खराब है. तो ऑब्वियस है कि उससे टीचिंग इन्फ्लुएंस होगी. ब्लैक बोर्ड ठीक नहीं है, या फिर बैठने की जगह ठीक नहीं है, और आदि आदि. या मान लीजिए कि बरसात के समय में टपकता है और वर्षा के दिनों में क्लास नहीं हो रहा है, तो टीचिंग क्या होगी. सो क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बड़ी बड़ी समस्या है. लेकिन बैठने की पर्याप्त जगह, सुविधाजनक ढंग से लोग बैठ सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट मीन डेस्क एंड बेंच ओनली, बोर्ड ओनली, द साइज ऑफ द क्लास, द लाइट इन द क्लास एंड लाइक दैट. सो नेक्स्ट टू क्लासरूम क्लाइमेट देर इज क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें बहुत सारी आ जाएंगी, खिड़की वगैरह से लेकर बैठने की जगह, हवा वगैरह. नेक्स्ट इट इज करिकुलम. व्हाट द टीचर टीचेस एंड व्हाट द लर्नर लर्न्स, इट इज करिकुलम. एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट करिकुलम इज मोर देन सिलेबस. इफ देर इज some content, if some content of mathematics is being taught by mathematics fair, science fair, excursion and like that, so it facilitates learning more. So the nature of the curriculum, the content related to the curriculum, the transaction style of the curriculum influences learning and ultimately teaching. Teaching aids class में इस्तेमाल करते हैं, और कैसे करते हैं. यदि आप कोई ऐसी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज है, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है, उसको दिखा देते हैं, तो ऑब्वियस है कि टीचिंग फैसिलिटेट्स होगी. सो टीचिंग एड्स. एंड द लास्ट वी हैव टेकन ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन. प्रोसेस में क्या हो रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, लर्नर पढ़ रहा है. अब टीचर पढ़ाने आया है तो कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रख के उसने अपनी एक पाठ योजना बनाई है, वेदर द लेसन प्लान इज रिटेन और नॉट. बट इफ ए टीचर गोज इन द क्लासरूम, इट मीन्स ही और सी इज हैविंग सम आइडिया व्हाट सी और ही इज गोइंग टू टीच, गोइंग टू डू इन द क्लासरूम in the form of transaction. And if the learners is being evaluated keeping in view the objectives which were framed and on the basis of which the teacher taught, it means the process is being influenced
एंड अल्टीमेटली द टीचिंग, जिसको हम कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम उसको कंसोलिडेट करते हैं। टीचिंग का एक फेज, खास के लेक्चर मेथड के लिए कहा जाता है कि एक कंसोलिडेशन फेज आप रखिए। कंसोलिडेशन फेज का मतलब क्या है कि हमने जितना पढ़ाया वो पढ़ाया उद्देश्यों को ध्यान में रख के, अब उन उद्देश्यों को ध्यान में रख के हम मूल्यांकन करेंगे। तो ऑब्वियस है टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट होगा, और टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस फैसिलिटेट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, लर्निंग ज्यादा होगी और टीचिंग इफेक्टिव होगी। सो ऑब्जेक्टिव बेस्ड बेस्ट इवैल्यूएशन, जिन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हमने शिक्षण के कार्यों को संपादित किया है उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख के मूल्यांकन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर। नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग अनदर फैक्टर। थैंक यू।